अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने उर्दू हरूफ़ तहज्जी के एक नए दोस्त ख़ानदान से मिलेंगे। चले आए देखते हैं, आज हम रे के ख़ानदान की पढ़ाई करेंगे और देखेंगे रे के ख़ानदान में कौन कौन से हरूफ़ हैं। रे के ख़ानदान में पहला हर्फ है रे, दूसरा हर्फ रे, तीसरा हर्फ से, चौथा हर्फ ये। रे के ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता और रे के ऊपर होती है छोटी बेबी तोए और जे के ऊपर होता है एक नुक्ता और जे के ऊपर होते हैं तीन नुक्ते। रे को लिखने के लिए सबसे ऊपर पेंसिल को नीचे लेकर आएं, सीधा सीधा और घुमाएं गोल और फिर सीधा। ये बन गया हमारा रे। इसके ऊपर छोटी बेबी तोए लगाने से बन जाता है रे और इसके ऊपर एक नुक्ता जब लगा देंगे तो बन जाएगा जे और तीन नुक्ते लगा देने से बन जाता है ये। ये तो थी हमारे रे के ख़ानदान की लिखाई। उम्मीद है सबको अच्छे से लिखना आ गया होगा। चले आए देखते हैं अब रे के ख़ानदान की कहानी। अरे ये तो रे बड़े मज़े से सोफे पे बैठे हुए हैं और रे के सामने टेबल पर खाना पड़ा है। रे रा रोटी रे रा रायता। अरे रे तो रे रा रोटी और रे रा रायता खाएंगे। अरे ये रे कहाँ आ गए हैं, रे तो रोड पर आ गए हैं और रे के पास एक रस्सी भी पड़ी हुई है और एक रिक्शा रे के पास आके रुक गया है। अब रे रा रोड पर रिक्शे में बैठकर देखते हैं कहाँ जाने वाले हैं। चले आए देखते हैं रे रिक्शे में बैठ के कहाँ जा रहे हैं। अरे रे तो रे रा रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। यहाँ पर तो रे का पूरा ख़ानदान मौजूद है। रे र रे र जे ज ये यहाँ पर तो रे का पूरा ख़ानदान कहीं जाने के लिए तैयार खड़ा है। अब रेलवे स्टेशन पर रे रा रेलगाड़ी भी आ गई है। अब देखते हैं रे का ख़ानदान रेलगाड़ी की सैर में बैठकर कहाँ जाने वाला है। अरे रे का ख़ानदान तो चल दिया रेलगाड़ी की सैर पर। चले आए देखते हैं अब रे की कहानी। अरे ये तो रे एक पहाड़ी इलाके में आ गए हैं। आप सब दोस्तों को जैसे कि पता है कि रे से कोई भी हर्फ शुरू नहीं होता, लेकिन रे को किसी हर्फ के आखिर या दरमियान में लगाने से कोई नया हर्फ बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं रे से क्या बनता है। रे से बनते हैं रे अड़ा पहाड़ और यहाँ पर तो पहाड़ों के पास रे अड़ा मकड़ी भी मौजूद है। चले आए देखते हैं अब रे के ख़ानदान के अगले हर्फ की कहानी। अगला हर्फ है जे। अब देखते हैं जे की कहानी। अरे ये तो जे एक जंगल में आ गए हैं और यहाँ पर रे का पूरा ख़ानदान भी जे के साथ जंगल में आ गया है। अब देखते हैं यहाँ पर जे से कौन कौन से चीज़ें बनती हैं। यहाँ पर तो जेजा ज़ेब्रा, जेजा ज़राफ़ा और ये क्या, इनके ऊपर तो एक जेजा जंजीर भी लटक रही है। अरे ये तो आप पूरा रे का ख़ानदान जंगल में खूब मस्ती करेगा। चले आए देखते हैं अगले हर्फ की कहानी। अगला हर्फ है ये। चले आए देखते हैं ये की कहानी। अरे ये तो एक वादी में है और रे का पूरा ख़ानदान भी यहाँ रेलगाड़ी में आ गया है और ये क्या, ये जाला भरी होने लगी है। मुझे लगता है कि अब रे के ख़ानदान को यहाँ से चले जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। और आप सब अच्छे अच्छे बच्चे अब रे के ख़ानदान से शुरू होने वाले हरूफ को घर में ढूंढिएगा और अलिफ से ये तक लिखने की मश्क भी कीजिएगा और मिलेंगे एक नए दोस्त ख़ानदान के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
बाय बाय दोस्तों।